मुबशिर डेर इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सोशल मीडिया के बहुत से लोग किसी आलिम साहब के नाम ले रहे हैं कि मैंने बहुत तलाश किया मगर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ का सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं मिला, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर उस मौली साहब को दुआ का सबूत रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं मिला तो मौली साहब का अपना मामला है, इसमें मसला तो ख़राब नहीं हो सकता भाई। मसला तो यही है कि मुस्तहब है नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, अहदीस पाक में मौजूद है, कुरान करीम की तफसीरों में मौजूद है, कुतुब में मौजूद है। कुछ दोस्तों ने मुझे काल के ज़रिए भी ये मसला पूछा है, उस्ताद जी बताएं बताएं, ये तो मुबशर ने अच्छा किया पूछ लिया है, बात चले आई। मुनासिब है कि आप इस कुतुब खाने से ज़रा मुझे किताबें पेश कीजिए, कुरान करीम की तफसीर तफसीर इब्ने कसीर उठाइए, यह तफसीर इब्ने कसीर मेरे पास लाइए, ये इसकी पहली जिल्द ये लेकर आए, मैं आपको इसके हवाले से ये तफसीर इब्ने कसीर है, तफसीर इब्ने कसीर की ये उर्दू तर्जमे में अगर आपने देखना हो तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़िए से सफ़ा नंबर 596 है, इस पर तफसील के साथ मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा फरमाते थे और उसके बाद दुआ की तरतीब होती थी। देखें, इब्न अबी हातिम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद किबले की तरफ मुंह किए हुए थे, हाथ उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और अल्लाह को कबूल फरमाया। ये तो तफसीर इब्न कसीर कुरान करीम की ये जो है ना क्या कहते हैं तफसीर है। और मजे की बात मैं आपकी खिदमत में करूँ, ये 596 पे मैं आपकी खिदमत कोट करते हुए रेफरेंस देते हुए आपकी खिदमत में बात करूंगा, ये सूरत नंबर 4 सूरत निसा नंबर 97 है 57 है, इस आयत के तहत अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वासिया, इसके साथ ये बात मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपने मजीद देखना हो तो मजमू ज़वायद उठाएं, इसकी जिल्द नंबर 10 उठाएं, जिल्द नंबर 10 मजमू ज़वायद में इमाम नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह की किताब है मजमू ज़वायद अल मुतवफ़ा 808 हिजरी, ये आज से तकरीबन 5-600 साल पहले के आदमी है, ये मजमू ज़वायद है, जिल्द नंबर 10 है, सफा नंबर 194 है, आप इस पे जाके पूरी तफसील देख सकते हैं। इन्होंने इन अहदीस को कोट किया है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया से ये बात हमें वाज़ह तौर पे समझ आती है। ये बाब है अत्तामीन अलद दुआ, किताबुल अदईया है, इस पे रिवायत मौजूद है रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी तफसील से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बयान फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मजमा जमा हो, एक बंदा दुआ करे बाकी आमीन कहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। इससे समझ आता है कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ ये भी मामले में जायज है। इस तरह आप कंजुल उम्माल उठाएं, ये कंजुल उम्माल की दूसरी जिल्द है इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह की, कंजुल उम्माल मौजूद है, ये कंजुल उम्माल फी सुननिल अक़वाल वल अफ़आल इसकी जिल्द नंबर 2 के सफा 60 पे इन्होंने इसी हवाले से तफसील दी है और पूरी अहदीस पाक के हवाले से इसको बकायदा नोट फरमाते हुए ये रिवायत लाए हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का फरमान आलीशान वो लाते हुए कहते हैं मा मिन अब्द मुमिनिन मुमिन आदमी यबसुतु कफ्फैही फी दुबुर कुल्ल सलातिन, जब मुसलमान आदमी फर्ज नमाज के बाद अपने हाथों को रब्बुल इज्जत के सामने फैलाता है और अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इससे समझ आया अकाबरीन उलमाए देवबंद का नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की तरतीब बताना यह बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर मजीद देखना हो मुहद्दिस कबीर मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह, मैं दो आले रसूल पेश कर रहा हूं, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, और जो है ना क्या कहते हैं आले रसूल हैं औलादे अली हैं, हजरत मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी औलादे अली हैं, मुहद्दिस जलील है, जामियातुल उलूम अल्लामा बिन नूरी टाउन कराची का बानी है, जिल्द नंबर 3 है, मारिफुस सुनन जामे तिर्मिज़ी की शरह है, हजरत की एकाश ये मुकम्मल हो जाती ये जितने
बात में उनकी वफात हुई तो आखिरी जिल्द न छप सकी। आप इसको देखते आपको समझ आती, ये जिल्द नंबर 3 की सफा नंबर 122 और सफा नंबर 123 है। ये इस पर पूरी तफसील देते हुए और कई कई सफे इस पर लिखते हैं कि उलमाए देवबंद की ये तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है। आप इसको बाकायदा देख सकते हैं और इस पर तफसील देते हैं और तफसील देते हुए रिवायात जमा करते हैं, कुल तो कहकर इस पर अपना फैसला देते हैं। फरमाते हैं हदीस पाक में मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और रिवायत अब्दुल्ला बिन जुबैर लाए हैं कि एक बंदे ने नमाज में दुआ शुरू की, हुजूर पाक के सहाबी फरमाने लगे जी नहीं, अल्लाह के रसूल का यह तरीका नहीं था। रसूलुल्लाह का तरीका था नमाज से फारिग होते, हाथ उठाते, फिर दुआ को शुरू कर देते। ये मजमू ज़वायद की रिवायत लाए हैं। उसके साथ एक रिवायत सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से लाए हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने नमाज का सलाम फेरा, हाथ उठाए, हाथ उठाकर क़िबला रुख थे, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है। फिर फरमाते قال هذا حديث صحيح, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की सही हदीस है। एक रिवायत मजीद लाए हैं हजरत अस्वद अल आमिरी से, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमने सुबह की नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा और नमाज के बाद हमारी तरफ मुंह किया, हाथ उठाया और रसूलुल्लाह ने नमाज के बाद इत्तेमाई दुआ फरमाई। इसके बाद ये सही हदीस लाकर इमाम ज़हबी इसको सही कहकर आगे एक और में वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल फरमाते हैं। हजरत अनस ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया बंदे मोमिन हाथ फैलाए हर फर्ज नमाज के बाद रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे, रब कबूल फरमाते हैं। तबरानी से एक रिवायत मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से लाए हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज सुबह पढ़ाई, उसके बाद कौम की तरफ मुंह किया, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी इज्तिमाई सीगे से मांगी, اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا वसाइला, मेरे मौला मेरे मदीने को बाबरकत बना दे, मेरे सहाबा और मेरी उम्मतों के लिए बाबरकत बना दे, मेरे मौला हमारे नाप तोल के बर्तनों में और नाप तोल के औजान की चीजों में और वजनों में बरकत अता फरमा दे। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ सहाबा की तरफ और रिवायत लाने वाले दो सादात हैं, आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं। एक रिवायत मजीद लाकर कहते हैं हमारे तमाम उलमाए कराम ने ये जो काम किया है ये इस बात पे दलील है कि ये काम मुस्तहब है, मुस्तहब समझ के इसको करना चाहिए। ये पूरी रिवायत मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह इस पे लाते हैं। लाइए बानी पाकिस्तान के साथी हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी की एलाउ सुनन है, इसकी जिल्द नंबर 2 है। एलाउ सुनन में हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी हजरत थानवी के भांजे ने तो इंतहा करके रख दी है। सफा 993, सफा 999, सफा 1004 ये पूरी तफसील से लाए हैं। मैं आपकी खिदमत में क्या तफसील पेश करूं, मैं हेडलाइंस आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि इससे आप अंदाजा लगाएं कि यह किस तरह साबित है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अमल से साबित है। वो इस पर रिवायत लाते हुए ये तफसील देते हैं। रिजालुहु सिकात कहते हैं जो हदीस ला रहा हूं इसके रावी बड़े मजबूत हैं, हदीस बिल्कुल ठीक है। और हदीस पाक लाए अब्दुल्लाह बिन जुबैर के वास्ते से, फरमाया अल्लाह के रसूल जब नमाज का सलाम फेरते हाथ उठाते और दुआ इरशाद फरमाते। इसको इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्न अबी शैबा ने भी नकल फरमाया है। मुहद्दिस कबीर फकीह कबीर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने पूरा रिसाला लिखकर नकल फरमाया है, इमाम तबरानी ने नकल फरमाया है। फिर आगे चल के इसी पर एक रिवायत मजीद लाते हुए कहते हैं कि हाथ उठाकर फर्ज नमाज के बाद दुआ करना यह जाहिरन मुस्तहब है, इस पर सही हदीस मौजूद है। आगे मजीद तफसील देते हैं, फसाबत अन्न दुआ मुस्तहब बाद कुल सलातिन मक्तूबा मुत्तसलम बिहा बिरफ़ल यदैन, कहते हमारी इन दलाइल से बात साबित हो गई कि नमाज के बाद हाथ उठाकर फर्ज नमाज के फौरी बाद हाथ उठाकर इकट्ठी दुआ मांगना यह मुस्तहब है। आपको नजर ना आए मैं आपको दिखा देता हूं, यह जालिल दलाइल मौजूद है, ये इनकी बातें मौजूद हैं। इस तरह अगर आपने देख लिया हो मैं इससे अजीम शख्सियत लाने लगा हूं, सूफियों का इमाम लाने लगा हूं, हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी हकीम उल उम्मत भी हैं, मुजद्दतुल मिल्लत भी हैं, हजारों कुतुब के मुसन्निफ भी हैं।
दिया है, इस जैसा रुतबा मुजद्दिदों में किसी किसी को मिलता है। इमदादुल फतावा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मायानास फतावा मौजूद है, जिल्द नंबर 1 है, आपको नहीं मिलता ये मकतबा दारुल उलूम कराची शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातों के मदरसे से छपा है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 368, इसका सफा बकायदा 646 मौजूद है, 646 इस पर दलील देते हुए पूरे अबवाब कायम करते हैं। इस पर एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात तफसील से लाते हुए एक बात लाते हैं। मैं सफा 646 से आपके सामने जुजुल अव्वल पढ़ देता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस पर तफसील देते हुए इरशाद फरमाते हैं, बंदे मुमिन हाथ उठाए, फर्ज नमाज के बाद उठाए, अल्लाह के सामने फैलाए, रब्बुल इज्जत इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। सुनो, इन दलाइल के बाद में कहता हूं, दुआ मांगना मुस्तहब है, जो मांगता है बहुत अच्छा करता है, नेकी का काम करता है, अच्छा काम करता है। जिसको नहीं मिली वो अपने मुताले पे गौर करे, जिसको नहीं मिली वो अपने लाइब्रेरी पे गौर करे, जिसको नहीं मिली वो अपने दलाइल पर गौर करे, फिर जाकर बात करे। हाँ हाँ, ये बात भी समझे, हम इसे फर्ज नहीं कहते, इसे वाजिब नहीं कहते, इसे लाजमी नहीं कहते, ना करने वाले को बिद्दी नहीं कहते, लेकिन एक अच्छा अमल कहते हैं, मुस्तहब अमल कहते हैं, मुनासिब अमल कहते हैं। हमें अल्लाह से जरूरत है, हम मांगेंगे। मेरे भाई, तुझे नहीं चाहिए तो तू न मांग। मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज कर दी हैं, अल्लाह आपको और हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद दलाल को वाजे करना है। बात की जाए तो पूरी की जाए, सच बोला जाए तो पूरा, आधा सच बोलना पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, पूरा सच बोलो। मैंने दोनों तरफ की बात कर दी है। जजाकुमुल्लाह।